The internet is full of bro science fake knowledge, half-information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So Namaskar, adab, Sat Sri Akal, Mahu Dr. Paramjeet and you are watching Dr. Education. So, today we are going to talk private part and... ये बात होनी है कि आपका जो पीनस है और फीमेल्स के लिए ये टॉपिक रिलेवेंट नहीं है मगर जिज्ञासा के चलते वो वीडियो आगे देख सकती है वरना भाई ज़रूरत है नहीं फिर भी लाइक का बटन जरूर दबाएं और आगे बढ़ें ठीक है so, सो ये इस 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 टॉपिक को थोड़ा सा कॉमेडीफाई करके आपको समझाया जाएगा ताकि भाई आपको इंटरेस्ट बना रहे वैसे तो इंटरेस्ट बना ही रहेगा बोलने की बात ही नहीं है टॉपिक ही ऐसा है है ना सो so, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन इस टॉपिक इस वीडियो में क्या आपका पीनस उम्र के साथ बदलता है बदलता है तो कैसे होता है क्या वो छोटा होगा क्या वो काला होगा क्या वो लंबा होगा क्या वो मोटा होगा क्या वो क्या होगा और क्यों होगा इसके बारे में बात करेंगे ठीक है सो यस एवरी एवरी बॉडी का आपका पार्ट एवरी इंच ऑफ योर बॉडी चेंजेस विथ एज चेहरे पर झूरियां आती हैं आती है, आती है। बाल सफेद होती हैं, हाइट छोटी होती है कुबड़ी पन आता है आपके घुटने रगड़ जाते हैं आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं हाथों में मसल्स कमजोर हो जाए शरीर में मसल तो वो कहाँ छूट जाएगा पीनस को भी कुछ ना कुछ होगा आपके टेस्टिकल्स को भी कुछ ना कुछ होगा आपके अंडों को भी अंड को भी कुछ ना कुछ होगा होगा क्या वो हम जानेंगे देखिए आपके चालीस की उम्र के बाद चार एक दो तीन चार ये है आपके गोल्डन एजेस मतलब गोल्डन एज मतलब 20 से 40 आपके गोल्डन एज है जो मर्जी करो जय महाकाल है आप उस बीच में आपके टेस्टोस्टेरोन खूब तेज दौरान दौड़ रहे हैं आपके टेस्टिक्यूरल पावर बहुत जोरदार है अनलेस एनअल्टी आपने खुद का बेड़ा गर्क किया उल्टी सी दवाई लेके फिर आपकी मर्जी है आपकी जिंदगी है और नहीं तो आपके हारमोन आपके खूब जोरदार है चालीस के बाद आपके हारमोन जो है वैसे तो 35 से भी हो सकते हैं लेकिन 40 के बाद आपके हार्मोन जो है कम होने शुरू हो जाते हैं होते ही हैं और हर साल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके टेस्टिस कम 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 प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं इसकी ग्रो कम होने का रेट को एक परसेंट कोई दो परसेंट कोई तीन परसेंट बताता है पर बताने का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है होता है कम होता है इतना बस जानना काफ़ी है बहरहाल आपके जो हॉर्मोन है यही आपके पीनस को बचपन में ग्रो करने को मदद करता है टेस्टोस्टिरोन और आपके सेक्सुअल ड्राइव को को बनाए रखता है आपकी गाड़ी का पेट्रोल है अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं इसीलिए डिक्लाइन विद टेस्टोस्टेरोन से आपकी एजिंग होने लगती है आपका लिबिडो कम होता है आपका सेक्सुअल पावर कम होता है सेक्सुअल अर्ज कम हो सकता है कम हो सकता है होगा ज़रूरी नहीं है वाई बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टोस्टिरन फ्री एंड टोटल फ्री एंड टोटल है कि नहीं एक इंसान अगर पाँच सौ निकाल रहा है ए से तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बैंकों में करोड़ों रुपए होने जरूरी है उसके बैंक में अगर हजार रुपए भी हैं तो भी पाँच सौ निकाल सकता है सेम वे एक टोटल टेस्टोस्टिरोन अगर आपका कम भी है तो भी फ्री टेस्टोस्टिरोन नॉर्मल रह सकता है याद रखिए कम पैसे वाले की जेब में भी पैसा हो सकता है और ज्यादा पैसे वाले के पास जेब में कम पैसा हो सकता है तो फ्री टेस्टोस्टिरोन कैन बी लेस इन समबडी हु हैज हाई टेस्टोस्टिरोन आल्सो एंड द खेल ऑफ सेक्सुअल अर्जेज इज ऑल अबाउट फ्री टेस्टोस्टिरोन

अच्छा था बड़ा था अब छोटा हो रहा है हम तो बड़ा करना चाह रहे थे ये तो छोटा हो रहा, ये क्या हो रहा, रहा क्या है? Because muscles, muscle है, भाई, है होता मसल मसल भाई, उम्र के साथ सारी मसल होती है तो उसकी भी मसल श्रिंक उसकी भी मसल कम होती उसकी भी मसल केला देखा केला केला कैसा श्रिंक होता है वैसे होता है इट टर्न्स ग्रे आल्सो ग्रे यानी कि काला पड़ने लगता है प्यूबिक हेयर भी आपके चेंज हो सकते हैं प्यूबिक हेयर के नीचे जो पेनिस के नीचे जो वहाँ पर जो एरिया है दो तो जो एरिया है वहाँ पर फैट जाने आने लगता है फैट ज़्यादा आने लगता है तो पेनिस का साइज जितना भी हो उसके नीचे से फैट आएगा तो क्या होगा क्या होगा बताओ साइज छोटा लगेगा अरे भाई पेन से ढक्कन हटाओ तो पेन छोटा हो जाता है ना उतना साइज़ छोटा हो जाता है तो इंसान को लगता है ये क्या हो गया इतना छोटा हो गया और होता है छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैट हिस्टर बट इंटरनली वो उतना ही है मसल उतनी है मसल कैन बिकम थिनर मसल कैन बिकमर मसल कैन लिटल बिट शॉर्टन पर जो एक्चुअली छुप जाता है थोड़ा सा छोटा होता है थोड़ा सा श्रिंक होता है थोड़ा सा काला होता है थोड़ा काला थोड़ा छोटा थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा पतला मोटा नहीं होता मोटा नहीं होता सो <laughs> so, ऐसा है अब काला होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन राइट पिगमेंटेशन मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एजिंग के वजह से हो सकता है मेटाबोलिक uh, सिंड्रोम के वजह से हो सकता है डायबिटीज ज़्यादा हो उसके वजह से हो सकता है श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है राइट बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ कई पूरी पूरी शरीर में ब्लड सप्लाई कम होता है खून का सप्लाई हार्ट कमजोर खून नशे में ब्लॉकेजेस अथरोसलोरोसिस लोगों ने सुना हार्ट अटैक होता है भाई हार्ट अटैक है न खून के नशों में ब्लॉकेज पूरे शरीर में होता है पीनस में भी होता है उम्र के साथ उ इट इज सो ब्लड सप्लाई लो टेस्टोस्टिरोन लो ब्लड फ्लो लो मसल श्रिंकेज इट श्रिंक्स इट कैन गेट करता टेढ़ा हो गया बाकी किसी ने इंजरी मार दी कोई यहां से मार रहा है कोई यहां से मार रहा है कोई उल्टे सीधे तरीके से सेक्स कर रहा है ऊपर से बैठे बैठे टेढ़ा हो गया फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर तो बहुत रेर है मगर मगर स्कार टिश्यू आ जाता है इंजरी होती है इंजरी हो गई उसमें स्कार टिश्यू आ गया स्क टिश्यू से वो टेढ़ा हो गया तो पेनीस कैन बिकम बहुत ज़्यादा तेढ़ा तो उसको बोलते हैं पेरोनीज डिजीज उतना टेढ़ा कि अंदर ही नहीं जाना अंदर जाने में दर्द हो रहा सेक्स नहीं कर पा रहे देन यू नीड सम काइंड ऑफ सर्जरी सर्जरी से स्कार टिश्यू तोड़ दिया जाता है पीनस सीधा कर दिया जाता है कुछ क्रीम्स कुछ स्टीरोयड क्रीम्स ट्राई की जा सकती है जिससे स्कार टिश्यू वीक हो सकते हैं मगर ये बहुत ज़्यादा लोगों में सक्सेसफुल नहीं है तो पीनस भी छोटा होता है अंडे भी छोटे होते हैं टेस्टिक टेस्टिस भी छोटे होते हैं टेस्टिस भी छोटे होते हैं पीनस भी छोटा होता है और टेस्टिस भी टेढ़ा होता है टेस्टिस और तो सॉरी अपना पीनस टेढ़ा होता है उसके अलावा जो स्क्रोटम का सैक है जो उसको बोलते हैं स्क्रोटम द सैक है टेस्टिस सैक है वो लटकने लगता है वो पहले टाइट हो रहा था वो लेस इलास्टिक होता है उसके अंदर जो है लटकनपना ज़्यादा होने लग जाता है ऐसा ऐसा लटकने लगता है कई लोगों में पानी भी भर जाता है उसको हाइड्रोसील बोलते हैं वो बीमारी है बीमारी का इलाज करना पड़ता है वो नेचुरल एजिंग प्रोसेस नहीं है याद रखिएगा तो टेस्टिस स्क्रोटम और पीनस तीनों में चेंजेस आते हैं और एक और चेंज आता है सेंसिटिविटी हो जाती है कम सेंसिटिविटी कम हो जाती है नेचुरल सेंसिटिविटी एजिंग के साथ कम होने लग जाती है अराउज मुश्किल से होंगे लिबिडो मुश्किल से आएगा और सेक्स करोगे भी तो डिलेड इजैक्युलेशन होगा डीलेड कई लोगों को प्री मेच्योर इजैक्युलेशन उसका अलग कारण है डिलेड इजैक्युलेन होगा डीलेड इजैक्युलेशन इज अ एजिंग प्रोसेस ओके यू लूज द लिबिडो ऑल्सो लिबिडो भी कम होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इट्स लिबिडो भी कम होगा आपका uh, हॉर्मोन लेवल्स आपके एज आपके आपके उत्साह इन सब का उसमें रोल है और जैसे मैंने कहा उसका कलर भी चेंज हो तो ये सारे चेंजेस होते हैं और कई बार उसके आसपास के जो बाल हैं वो भी कम होने लग जाएंगे आगे चल के और उतना घना जंगल है वो घना जंगल अब कम होने लगेगा दैट इज़ द लेटर स्टेजेस में लेटर स्टेज में घना जंगल भी कम होने लगेगा तो बाल भी कम होने लग जाते हैं ये सारे बदलाव होते हैं आपके पीनस में वॉट यू कैन डू यू कैन कीप एक्टिव बी एक्टिव स्टे एक्टिव राइट डू एक्सरसाइजेज रेगुलरली है ना चालीस के बाद तो जरूरी है कंपल्सरी है पैंतीस के बाद से भी जरूरी है बचपन से भी जरूरी है सो एक्सरसाइजेज विल कीप योर टेस्टोस्टिरोन अप कीप योर ब्लड फ्लोइंग एथरोस्लोरोसिस होगा भी तो बाईपास वेसल्स बनेंगी कैपिलरीज बनेंगी यू नो वॉट आई एम टॉकिंग हजारों बार हमने अपने वीडियोज में समझाया अगर आपको नहीं पता तो देखा करो वीडियोज देखा करो सिर्फ गाने मत सुना करो थोड़े वीडियोज़ भी देखा करो थोड़ा एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन हेल्थ लिटरेसी जरूरी है ओके okay? और फिलहाल के लिए इस वीडियो को मारिए शेयर और मारिए लाइक और अपने सवालों को इस जगह पे लिख दीजिए धन्यवाद मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन